संसार के पापियों के लिए। आज हम रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण को बचाने कोई नहीं आया, केवल प्रभु कृष्ण आए, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया, ताकि हम पाप रहित जीवन व्यतीत कर सके। ठीक। तो धीरे धीरे जब वचन पढ़ने से प्रभु ने मुझे समझाना शुरू किया, और ये देखा कि जब उन्हें क्रूस पे लटकाया तो प्रभु को कितना मारा, उनके मुंह पे थूका, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी कि पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक। तो जिस तरह प्रभु ये मुझे समझा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये फॉरगिवनेस जो प्रभु यीशु मसीह में थी वो हमारे में कभी नहीं थी, क्योंकि हम सब पूजा और पाठ तो करते थे, लेकिन हमारे अंदर कभी किसी को माफ करने की भावना कभी नहीं थी। तो वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आने लगा। और एक जगह फिर मुझे प्रभु ने ये कहा, जहाँ उन्होंने John 3:16 में कहा है कि पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन उसे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियनों के लिए हूँ, जगत से जो कोई का मतलब था उन्होंने सारे संसार की रचना करी, और संसार में उन्होंने जब सबकी सृष्टि करी है तो वो सबके परमेश्वर है, केवल हमें उनको नाम से पुकारना है, और जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो उनके वचन पढ़ने से मेरा दिल बदलने लगा, और प्रभु यीशु कृष्ण का ही जीवन है जो एकदम शुद्ध और पाक है, और वो उन्होंने क्रूस पे जान दे के तीसरे दिन फिर वो जी उठे, इसलिए उन्हें हम जीवित परमेश्वर कहते हैं। तो मुझे का पता नहीं लगा कि धीरे धीरे प्रभु ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, और मैं उनकी सच्चाई जान सकी, और वो मुझसे वचन के द्वारा बात करने लगे, और फिर मुझे वो साम्स में ले गए जहाँ उन्होंने कहा कि बेटा तेरे तुम और तेरे हस्बैंड इतनी पूजा करते थे मूर्तियों की जो सोने और चांदी की बनी हुई है, तो क्या उन्हें मैंने बनाया है? वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छे से लिखा हुआ था कि ये सोने की और चांदी की मूर्तियां जो हैं वो इंसान ने हाथ की कारीगरी है, आदमी के हाथ के बनी हुई है, तो परमेश्वर ने नहीं बनाई, तो तुम उनकी आंख है वो देख नहीं सकती, उनकी कान है वो सुन नहीं सकते, उनका मुंह है वो बोल नहीं सकते, तो जब तुम उनकी आराधना करोगे तो तुम्हारे अंदर क्या सामर्थ्य आएगी? तो जिस परमेश्वर ने इनको बनाया है, सारे संसार की सृष्टि करी है, तुम क्रिएशन की प्रार्थना करते थे तभी तुम्हारे इतने तुम्हें अशांति थी, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें वो असीम शांति दूंगा जो तुमने आज तक चखी नहीं। तो वचन के अनुसार जब मैंने ये पढ़ा तो प्रभु ने मेरा दिल बदल दिया, और मैंने महसूस किया कि प्रभु वाकई ही शांति के राजकुमार हैं। जो सबसे बड़ी चीज प्रभु हमें देते हैं वो इस दुनिया में जो नहीं है वो है शांति, और वो शांति केवल प्रभु के नाम पुकारने से ही आपके अंदर, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे, तो प्रभु अपना द्वार खोल देंगे। प्रभु जबरदस्ती कभी भी किसी के दिल में नहीं आते, हमें अपने हृदय से विश्वास के द्वारा प्रभु को पुकारना होगा, और जब हम विश्वास से प्रभु को निमंत्रण देंगे, पुकारेंगे, तो हमारे अंदर वो अपनी आत्मा भर देंगे, और उस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर की सब पाप जो है वो दूर कर देंगे, और हमें भी वो सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए कहेंगे, जो सच्चाई का मार्ग आज संसार में नहीं है, क्योंकि इंसान पाप करता चला जा रहा है, और सारे रावण हैं आज के संसार में, कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमने पाप किया, लेकिन प्रभु की निगाह में सब पापी हैं, क्योंकि पाप जो प्रभु की निगाह में झूठ बोलना भी पाप है, तो हम सब पापी हैं, और पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है।
प्रभु यही चाहते हैं जब हम उनका नाम लेके अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे तो वो हमें उद्धार दे देंगे, हमारे सब पापों को माफ कर देंगे। हाँ, इसमें लिखा हुआ ना यूहन्ना 1 नाम, ये वचन में लिखा हुआ है एक नाम, और ये वचन के द्वारा ही प्रभु ने मेरा दिल बदल दिया और अपनी आत्मा से भर दिया। और मैं सुनने वालों को यही और देखने वालों को यही कहूंगी कि आप चख के देखिए, ठीक, एक बार पुकार के देखिए तो आपको पता लगेगा कि प्रभु में आने से आपका जीवन कितना सुखमय और शांतिमय हो जाता है। आमेन। तो सारा आदर सम्मान मैं प्रभु को देती, प्रभु यीशु को हम देते हैं। ये बात सही है। आपने जी कहीं हम मिले थे तो आपने कहा था कोई एक किसी को दूसरे को कहता है कि अगर ना हुआ तो मेरा सिर तरह आ। मैं भी इस उसका एज ए कॉलर कॉरोलरी टू दैट, अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी सुनने वालों को और देखने वालों को स्टैम्प पेपर के लिख के देना चाहता हूँ। अच्छा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इस मार्ग पे आके देखें, चखें, जैसे मेरी वाइफ ने कहा। और जब आप चखेंगे तो जो चीज आप अभी चख रहे हैं, हम किसी उस धारणा में कोई कोई नहीं, रिलीजन की बातें नहीं है, नो रिलीजन नहीं, क्योंकि जहां मैं था और जहां हूं अब कोई नैले और दैले की तुलना नहीं है। नहीं, अगर वो होती तो शायद हम नहीं कहते, ठीक है, लेकिन धारणा इतनी बड़ी है कि एक तरफ जीरो है और एक तरफ सौ सौ है, ठीक, नैले दैले की तो हम आपसे कहें, ठीक। और एक मैं आपसे और एक चीज और मैं खास तौर पे मेरे हिंदू भाई जो हैं उनके लिए मैं एक चीज़ और आपकी परमिशन से कहना चाहूँगा कि हमारा हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जिसका नाम है पुष्कर तीर्थ, अजमेर में है, और ये वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ब्रह्मा टेम्पल है। उसके जो चीफ पुरोहित हैं उनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, और एक ज़माने में वो बाइबल्स को आग लगाते थे, बट प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। हमें तो प्रभु ने वचन से बात की है, उनको साक्षात दर्शन दिए, और दर्शन देख के कहाँ दिए, कहीं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और आज वो प्रभु की महानता कर रहे हैं और हमारे हिंदू शास्त्रों को संस्कृत में सारी किताबों को जानते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ लिखा है कि मोक्ष द्वार है मेरे पास, जिन्होंने उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में भी प्रभु यीशु क्रिस्ट का जिक्र है। और मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, प्रमुख हिंदू पुराणों में से एक संस्कृत लिखित भविष्य पुराण इसका नाम है पुस्तक का, के प्रतिसंग पर्व भरत खंड में इस निष्कीलक देहकारी का स्पष्ट दर्शन वर्णित है, जिसका संक्षिप्तीकरण इस प्रकार है। अभी संस्कृत में लिखा है, अच्छा, ईशा मूर्ति नी दी प्राप्ता नित्य शुद्धि शिव करी, ईसा मसीह इति मम नामम प्रतिष्ठम। ये हमारी हिंदू शास्त्र है, और ये हिंदू शास्त्र कब लिखा गया पास्टर साहब, ये 700 साल बिफोर क्राइस्ट का, अच्छा, है, जो सबसे सबसे पहला हिंदू शास्त्र है। अर्थात इसका मतलब दिया गया है, अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईशा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, अच्छा, अर्थात अभियुक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। ये हमारे हिंदू शास्त्रों में है और ये किताब अभी भी मिलती है, अच्छा। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है भाई, और एक मैं आपसे निवेदन और करना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहें उसको हीब्रूज 1 और हीब्रूज 2 में, अच्छा, अगर आप पढ़ें तो यही इसी के बारे में प्रभु ने लिखा है। वो ये जो लिखा है ये हमारे हिंदू कौन थे, इनका नाम था वेदव्यास, जिन्होंने हमारी सारी हिंदू ग्रंथों में लिखा है, ये वो उनका लिखा हुआ है, ठीक। तो वेदव्यास जो थे प्रभु ने उनसे भी बात की, क्योंकि पिता परमेश्वर की निगाह में ये नहीं है कि मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, उनकी निगाह में हम उनके सब पुत्र हैं, हम उस संतान जो है वो उस राह से दूर हो चुकी है, और यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। ये पढ़े जरा हिब्रूज 1 हिब्रूज पहले का पहला और दूसरा अच्छा, इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया